अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज 44। नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। थोड़ी देर पहले जहां उत्साह का माहौल था, सैलाब ने उसे पल भर में चीख की पुकार में बदल दिया। लोग पानी के प्रचंड प्रहार से बचने की कोशिश में लगे थे, चेहरे पर डर था और चारों तरफ लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। हादसे से पहले विसर्जन के कारण यहां भारी भीड़ थी, लोगों में उत्साह था, लेकिन कुछ ही समय में उत्साह मातम में बदल गया। हालांकि प्रशासन की टीम पहले से ही माइक के जरिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही थी, लेकिन तब भी हादसा टला नहीं। जी हां, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बुधवार 5 अक्टूबर की रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहां माल नदी में दुर्गा विसर्जन के दौरान अचानक आई बाढ़ से 7 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान लोगों को पानी में बहता देख कुछ युवा तेजी से सैलाब के बीच छलांग लगाते दिखे। उन्होंने जान पर खेलकर लोगों की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन सैलाब के आगे उनकी कोशिशें भी नाकाम साबित हुई। वहीं प्रशासन की टीम भी जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई थी। नदी के बीच खड़ी गाड़ी में जो लोग फंसे थे, उन्हें जेसीबी की मदद से ही सुरक्षित बाहर निकाला गया था और जो लोग पानी के बीच बह गए थे, उनमें कुछ लोग काफी दूर जाकर एक टापू पर पहुंच गए, जिन्हें बचाने के लिए प्रशासन की टीम रात भर रेस्क्यू अभियान चलाती रही। एक के बाद एक 40 से ज्यादा लोग पानी में बहते गए और चारों तरफ चीख पुकार होने लगी। बता दें कि अभी भी 30 से 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 44। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज 44।